जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को नारा शहर में बीच सड़क पर गोली मार दी गई। जिस वक्त आबे पर हमला हुआ तब वो पश्चिमी जापान के नारा शहर में भाषण दे रहे थे। आबे के सीने में आर पार गोली लगी है। वहीं हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आबे को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है क्योंकि उनका काफी खून निकल गया था। जानकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ गया था। घटना आज सुबह करीब 11:30 बजे की है। वही जापानी समाचार एजेंसी ने सूचना दी है कि घटनास्थल पर गोली चलने की आवाज सुनी गई। मौके पर मौजूद एक रिपोर्टर ने कहा कि आबे के भाषण के दौरान उन्हें लगातार 2 धमाके की आवाज सुनाई दी। हमलावर से पूछताछ की जा रही है। एक अन्य जापानी मीडिया हाउस ने कहा कि नेता को अभी तक होश नहीं आया है, वो अभी भी बेहोश है और ऐसी संभावना है कि वो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की स्थिति में है। बता दें कि शिंजो आबे जापान में सबसे अधिक समय के लिए प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन एक पुरानी बीमारी के उभरने के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की थी। जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 2006, 2014, 2015 और 2017 में भारत देश का दौरा भी किया है और भारत के साथ उनके घनिष्ठ संबंध भी हैं।